हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में इस बार लोगों की सूझबूझ और जागरूकता ने समूचे प्रदेश भर में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल की है। पिछले साल जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह की संपत्तियां आग की भेंट चढ़ गई थी। इस बार ये आंकड़ा लाखों में पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार जनवरी के महीने से लेकर अब तक कांगड़ा में महज 132 ही मामले सामने आए हैं। इनमें 1,95,82,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 50,58,30,000 की संपत्ति को लोगों की सूझबूझ और जागरूकता की बदौलत बचा लिया गया है। इस साल कांगड़ा के हजारों घरों में से महज 6 घरों में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं 108 मामले जंगलों में आग के रिकॉर्ड किए गए। 12 गाड़ियां आग की भेंट चढ़ गई। 2 मामले इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के रहे। इसके अलावा आग से करीब 8 जानवरों को रेस्क्यू भी किया गया। अग्निशमन विभाग कांगड़ा ने शानदार सफलता हासिल की। काबिले गौर है कि साल भर में आग लगने के ज्यादातर मामले दिवाली या इसके आसपास सामने आते हैं। खासतौर पर दिवाली वाले दिन इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है, मगर इस बार धर्मशाला रीजन में सिर्फ चील गाड़ी में ही आग लगने का एक मामला सामने आया, जिसमें लोगों की जागरूकता और फायर ब्रिगेड टीम की सतर्कता के कारण जल्दी ही काबू कर लिया गया। जो दीपावली के दौरान जो एक फायर केस हुआ था, जो चिलघाड़ी में हुआ था, ट्रांसफार्मर में आग लगा था, जिसमें जो केबल जला और उन्होंने कॉल किया, इमीडिएट एक्शन करने के बावजूद 30,000 का वहाँ लॉस हुआ और 30 लाख की प्रॉपर्टी को बचाया गया। इसके अलावा एक इंसिडेंट सामने आया, ये जो जिला एवादपना धर्मशाला क्षेत्र में था। इसके अलावा एक केस पालमपुर फायर स्टेशन के अंडर, जो एक शाहपुर के अंडर हुआ था, वहाँ पे गौशाला के साथ एक जगह पराली में आग लगा था, एक जगह गौशाला जला था, वहाँ पे 2 लाख का नुकसान हुआ था। शाहपुर में जो 3 लाख का नुकसान हुआ था। कितनी प्रॉपर्टी को वहाँ पे जो शाहपुर में 5 लाख की प्रॉपर्टी को बचाया गया, जो मतलब पालमपुर में 7 लाख की प्रॉपर्टी को बचाया गया। जो जिला कांगड़ा में जो अभी तक जो इस वर्ष में आज तक जो 132 जो फायर मतलब कॉल जो टोटल हुआ, लगभग 1,95,82,000 रुपये का नुकसान हुआ। जो हमने संपत्ति बचाई, जो 50,58,30,000 के लगभग बचाई गई, जिसमें जो हाउस फायर 6 नंबर थे, फॉरेस्ट फायर जो है 108 थे, उसके बाद जो है व्हीकल फायर 12 नंबर थे और जो इलेक्ट्रिक फायर जो है 2 थे। जो इसके अलावा जो हमने रेस्क्यू किया था, 8 जानवरों को हमने जो रेस्क्यू करके बचाया था। पिछली बारी से इस बारी में काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है, लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। पिछली बारी की नुकसान जो बहुत ज़्यादा था, इस बारी जो काफ़ी कम हुआ है।